बीजेपी सांसद का ये रूप देखकर रह जाएंगे हैरान। जब अपनी ही पुलिस पर भड़क गए भाजपा सांसद। भू माफियाओं के खिलाफ जानकारी देने वाले को ही उठा ले गई पुलिस। गरीबों की आह सुनकर भू माफियाओं के खिलाफ चला दिया चाबुक। ये बताइए, जिसने आपको सूचना दी उसको क्यों ले गए? तो 100 नंबर कैसे ले गई? 100 नंबर कैसे ले गई? जो सूचना देगा 100 नंबर उसको भी ले जाएगी। जो हाँ, हमसे वार्ता, मैंने आपसे वार्ता की, मैंने दरोगा से वार्ता की, मैंने एसडीएम से वार्ता की, मैंने खनिज वालों से वार्ता की, लेकिन अब जो कंप्लेंट करेगा आप उसको भी ले जाएंगे? नहीं, 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट करता को? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या न आने के लिए मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद राज ठाकरे को अपना अयोध्या दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन हम आज आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह नवाबगंज गोंडा इलाके में भू माफियाओं के खिलाफ मौके पर जाकर मोर्चा खोल दिया। मामला था एक तालाब को दबंगों द्वारा पाट कर उसे हथियाना था। इसी बात को लेकर वहां के एसडीएम और थाना प्रभारी की सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जमकर लताड़ लगाई। मैं इस समय नवाबगंज थाने से मात्र 60-70 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूं, और ये तालाब है, और ये आगे जाकर के टेढ़ी नदी से कनेक्ट है, और जब सरजू का पानी ओवरफ्लो होता है तो इसी तालाब के रास्ते से बह करके पानी जाकर के सरजू नदी में कनेक्ट होता है, टेढ़ी होते हुए सरजू में जाता है। ये लगातार देखिए इस तालाब को बंद करने की कोशिश हो रही है, और यही नहीं, इसके आगे भी एक मकान बना हुआ है। मैं मानता हूं कि किसी का नंबर होगा, लेकिन नंबर होने के नाते क्या ऐसे तालाबों को पाटा जा सकता है? एक तरफ कह रही है सरकार की योजना है कि तालाब खुदाए जाए, नदियां सुरक्षित की जाए, दूसरी तरफ खुले आम ये हो रहा है, और ये गरीब लोग कल से चिल्ला रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है, इसको गरीब लोग फोटो दिखाइए, कल से सारी रात जेसीबी यहाँ पर चली है, ये औरतें आगे आइए, ये औरतें आगे आइए, ये सारी कब से चल रहा है पटाई का काम है? तो आप लोगों ने किसी को कोशिश किया थाना पुलिस कहीं? यहाँ इन लोगों का बताना है कि जो लोग पटाई कर रहे थे सब लाठी लेकर के बैठे थे, और थाना मात्र यहाँ से 50 गज की दूरी पर है। हमारा ये आग्रह है कि जो भी इस तालाब के नंबर में हो, जो भी पाट करके पानी को अवरोध करके बनाए गए हों, इसके आगे भी कुछ दुकानें इसी तरीके से बना ली गई है सेम। अब ये तालाब जैसे बह रहा है तो इसको लोगों ने नंबर का फायदा उठा करके ऐसे बना लिया है। अब देखिए पूरा ये नदी आप कह सकते हैं, इसको पाटने की तैयारी चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है, डीएम साहब से आग्रह है, और संबंधित विभाग से आग्रह है कि जितने भी निर्माण इस तरीके से तालाब के ऊपर हुए हैं वो तुरंत गिराए जाए, इसको रोका ही ना जाए, तुरंत गिराए जाए। जो इसको पाट करके, जैसे कुछ लोगों ने तो दुकानें बना ली हैं, कुछ लोगों ने उधर दुकानें बना ली है, तो आप नेचर को कैसे रोक सकते हो? और मैं इसकी शिकायत आज ही मेरे जानकारी में आया, 7 बजे से लगातार मैं शिकायत इसकी कर रहा हूँ। एसडीएम को भी मैंने फ़ोन मिला करके जानकारी दी, और एसओ को मैंने फ़ोन मिलाया जानकारी दी,
और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग पटाई कर रहे हैं वो बहुत सशक्त हैं। तो मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसे तालाब जो कि मात्र तालाब नहीं है, ये जब पूरा इलाका पानी से भर जाता है तो ये यही एक रास्ता है जिससे पानी बह करके जो है सरजू में जाता है। तो अगर ये ऐसे तालाब पट जाएंगे और पाट दिए जाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें और तालाब के नंबर पर जो भी मकान अवैध बने हैं उनको गिराया जाना चाहिए। बाबू जैसा तुम्हारा सबका घर चलो चिंता न करो और जेसीबी का सजीव लीजिए भैया, जेसीबी का सजीव लीजिए। और वो लोग कौन थे जो रात भर पटाई कराए हैं सोटा लाठी लेकर, वो लोग कौन है? तो भाई वो जो जिस पक्ष ने शिकायत की उसको फोन नंबर लेके गई है, नहीं जो उनको पहले उसको छोड़ाइए, विजय कुमार उसको छोड़वाइए, उसने क्या गुनाह किया, उसको क्यों ले गए थाने पर? उनको बुलाइए, 100 नंबर फोन नंबर करिए, नहीं चल रहा हूँ थाने में, चल रहा हूँ थाने में अभी। हम बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, जो सूचना देगा उसको भी है वायरल करो, जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे, जो 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 सूचना देगा गलत काम का उसको भी ले जाएंगे। ये है इनकी 100 नंबर। ये क्या तरीका है? जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे आप? हेलो, वो सर 100 नंबर शायद उनको भी ले गई है जो वादी थे कालर। नहीं हमें ये हमारी बात कराइए, ये नेताजी बात कर रहे हैं। हेलो, ये बताइए जिसने आपको सूचना दी उसको क्यों ले गए? तो 100 नंबर कैसे ले गई? 100 नंबर कैसे ले गई? जो सूचना देगा 100 नंबर उसको भी ले जाएगी? जो हाँ हमसे वार्ता, मैंने आपसे वार्ता की, मैंने दरोगा से वार्ता की, मैंने एसडीएम से वार्ता की, मैंने खनिज वालों से वार्ता की, लेकिन अब जो कंप्लेंट करेगा आप उसको भी ले जाएंगे? नहीं, 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट करता को? या तो उसने गलत शिकायत की हो तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, तो उसको तुरंत छोड़िए, छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। जो ना भाई, जो कंप्लेंट करेगा उसको भी बंद करेंगे।